नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कल ही मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि चयन बोर्ड में आज धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो दोस्तों, दो बड़ी अपडेट यहां पर निकल के आई हैं TGT PGT 2020 भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं लगभग 15 से 17 हज़ार पदों पर भर्ती का विज्ञापन आने की खबरें काफ़ी दिनों से वायरल हो रही हैं। तो ये वाकई में सही है या नहीं सही है, इस पर पूरा आज स्पष्टीकरण हो चुका है। और यहाँ पर दो बड़ी खबर निकल आई है, एक अच्छी है और एक ख़राब है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ये खबर सुनने के बाद मायूसी छा जाएगी, इन अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अच्छी खबर बताता हूँ, इसके बाद फिर बात करेंगे थोड़ी सी खराब खबर के बारे में। तो दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि चयन बोर्ड ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका TGT PGT 2020 का विज्ञापन है वो 31 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। और इसकी परीक्षा के बारे में भी डेट कहा गया कि लगभग जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी मार्च लास्ट से अप्रैल में करवाई जाएगी। ठीक है, चयन बोर्ड ने आज वार्ता के दौरान ये बातें बताई हैं कि इसका विज्ञापन 2 से 3 दिनों के अंतर्गत या 4 दिनों के अंतर्गत जारी कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों हो गई अच्छी खबर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैड न्यूज के बारे में। तो दोस्तों, जो बैड न्यूज है वो बायोलॉजी अभ्यर्थियों को लेकर के है। आज जो वार्ता हुई है उस वार्ता में कोई भी बायोलॉजी को लेकर के सकारात्मक हल नहीं निकला है, सकारात्मक खबर वहाँ से नहीं निकल के आई है। एक पोस्ट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है आज उप सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नवल किशोर जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि नए विज्ञापन 2020 में जीव विज्ञान वालों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। विज्ञान विषय को भौतिक और रसायन विज्ञान वाले ही पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान में विज्ञान समाप्त होने के बाद भी हमको विज्ञान में शामिल नहीं किया जा रहा है। सिर्फ 2 विषयों के विद्यार्थियों को महत्व दिया जा रहा है, जिसमें जीव विज्ञान विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में, जबकि विज्ञान विषय भौतिक एवं रसायन तथा जंतु एवं वनस्पति विज्ञान शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह अपडेट निकल के आई है कि 2020 भर्ती में जीव विज्ञान को मौका नहीं दिया जा रहा है और ना ही जीव विज्ञान अभ्यर्थियों को साइंस में शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बायोलॉजी अभ्यर्थियों के एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी तक चयन बोर्ड भी आश्वासन देता रहा है कि बायोलॉजी वालों का हम शामिल करेंगे, 2020 वाले में इनको स्थान देंगे, ना बायोलॉजी में स्थान देंगे तो साइंस 2 के नाम से वैकेंसी निकालेंगे और यहाँ पर बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज जो दोस्तों वार्ता हुई है और जो उप सचिव जी ने कहा है, तो यहाँ पर उससे सारा कुछ यही स्पष्ट है कि जीव विज्ञान वालों को कोई भी भर्ती में स्थान नहीं दिया गया है। अब नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि चयन बोर्ड हमारी बात यदि नहीं मानता तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन समस्त प्रतियोगी छात्र भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। जीव विज्ञान जिंदाबाद। अब यहाँ पर एक पोस्टर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, छात्रों ने पूरी तैयारी कर ली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए। लिखा है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान विषय को नए विज्ञापन 2020 में शामिल कर विज्ञापन जारी किया जाए। पहली मांग ये है। दूसरी मांग है कि जीव विज्ञान 2016 की जो परीक्षा तिथि है जल्द से जल्द घोषित किया जाए। और इसमें आयोजक मंडल जो है युवा मंच है, युवा मंच के तत्वाधान में बायोलॉजी अभ्यर्थियों का ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू होगा। और इसमें समस्त जो भी जीव विज्ञान के प्रभारी हैं, जो लीगल टीम के सदस्य हैं, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जितने भी बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, ताकि आप लोगों के भविष्य का जो भविष्य सुरक्षित हो सके और 2020 वाली वैकेंसी में आप लोगों को मौका मिल सके। ठीक है, तो जीव विज्ञान के लिए दोस्तों ये बड़ी एक बैड न्यूज कह सकते हैं कि इनको अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका यहाँ पर लगा है, 2020 में इनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और 31 अक्टूबर तक आप लोगों का 2020 का विज्ञापन जारी होने की बात आज फिर स्पष्ट रूप से निकल के आई है। तो ये हो गई दोस्तों अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट आपको बायोलॉजी मैटर को लेकर के या अन्य TGT PGT विज्ञापन के लोग को लेकर के या अन्य कोई अपडेट आएगी तो आने वाले हमारे इसी चैनल पर सारी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक और शेयर
कर दीजिएगा। धन्यवाद।